कांग्रेस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सैकड़ों समर्थकों के साथ दो बब्बर शेरों की हुई कांग्रेस में एंट्री, कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में दल बदल का खेल जारी है। कांग्रेस ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दोनों दलों के दो नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के निशांत मुदगल और आम आदमी पार्टी के सुभाष बघेल कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दोनों नेताओं के सैकड़ों समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं आपको बता दें, सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जितेंद्र बघेल, जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद, महेंद्र पराशर, सर्वेश बघेल और राजू प्रधान भी मौजूद रहे। देवेंद्र यादव ने दोनों नेताओं के साथ समर्थकों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निशांत मुदगल और सुभाष बघेल की कार्यशैली और क्षमता को देखते हुए कांग्रेस में सम्मान दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। लोगों का आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रति मोहभंग हो गया है। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस का हिस्सा बन रहे हैं। देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के शासनकाल में दिल्ली का विकास हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह धराशाही कर दिया है। 11 वर्ष पहले भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण और पारदर्शी प्रशासन का झांसा देकर दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर सत्ता हासिल की गई। अरविंद केजरीवाल आज खुद ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को भी घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है, अब की बार बीजेपी की सरकार सत्ता से गायब हो जाएगी।